अम्बाला में कोरोना अब लोगों को डराने लगा है। आज अम्बाला में कोरोना की दूसरी लहर के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। आज अम्बाला में 294 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो वहीं 2 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी चली गई। आज अम्बाला में मिले कोरोना पॉजिटिव मामलों की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार लोगों की लापरवाही का नतीजा है। सिविल सर्जन ने बताया कि आज सिर्फ अम्बाला शहर और शहर के ग्रामीण इलाकों से ही 170 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में ये सीधे सीधे लोगों की लापरवाही का नतीजा है। आज जिले में टोटल 294 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 162 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं और 2 मौतें हुई हैं। एक 53 वर्षीय पुरुष था जो किडनी की बीमारी से ग्रसित था और वेंटिलेटर पे था, उसकी डेथ हुई है। और एक 60 वर्षीय एक महिला थी, उसकी डेथ हुई है। उसको भी डायबिटीज हाइपरटेंशन थी और वो ऑक्सीजन पे थी। इसके साथ आज तक एक्टिव केस जिले में 1694 एक्टिव केस हो गए हैं और जो आज केस सामने आए उनमें अम्बाला सिटी से 142 केस हैं और अम्बाला सिटी का जो पेरी अर्बन एरिया है वहाँ से 36 केस हैं। यानी कुल मिला के अम्बाला सिटी से 178 केस अम्बाला सिटी के एरिया से आज हैं। अम्बाला कैंट से 51 केस हैं, नारायणगढ़ से 5 हैं, शहजादपुर से 18 केस हैं, बराड़ा से 17 केस हैं और मुलाना से 25 केस हैं। तो कुल मिला के 294 नए कोरोना संक्रमण के मामले आज सामने आए हैं। अम्बाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट।